और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 32वीं बार रेडियो कार्यक्रम के जरिए मन की बात करेंगे। थोड़ी देर में पीएम का कार्यक्रम शुरू भी होने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज इसी के तहत दिल्ली के आरकेपुरम में मौजूद हैं, जहां वो झुग्गीवासियों के साथ मन की बात सुनेंगे। अमित शाह के साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी आरकेपुरम में पहुंचे हुए हैं। मंच की ये तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी मंच पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि 32वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मन की बात रेडियो के जरिए जनता से करने जा रहे हैं, और इसी मौके पर दिल्ली के आरकेपुरम में मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने काफिले के साथ, जहां पर वो झुग्गीवासियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 32वीं बार की जाने वाली रेडियो पर मन की बात सुनते नजर आएंगे। तो हर बार की तरह देश की जनता के सामने कई सुझाव रखे जाएंगे, केंद्र सरकार के काम की उपलब्धियां भी यहां पर गिनाई जाएगी। 32वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करने जा रहे हैं, और इसके जरिए वो बताएंगे कि इन 3 सालों में क्या कुछ खास बीजेपी सरकार की उपलब्धियां रही हैं। ये 2 तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जब 32वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो के जरिए करते नजर आएंगे, और इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली के आरकेपुरम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। झुग्गीवासियों के साथ यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनते हुए बीजेपी का पूरा काफिला यहां नजर आएगा। हालांकि देशवासियों से आज जो मन की बात की जाएगी, बहुत कुछ खास इसमें और सुनने को मिल सकता है। तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए रखी जाएंगी, क्योंकि वो लगातार ये भी कहते रहे हैं कि सुझाव देश के कोने कोने से उनके पास आ रहे हैं। मन की बात के जरिए वो उन राज्यों का भी जिक्र करते हैं जहां पर विकास की बयार नजर आती है। इसके अलावा 3 साल मोदी सरकार को 26 मई को हो चुके हैं, ये 3 साल कितने बेमिसाल रहे, क्या कुछ खास उपलब्धियां बीजेपी ने यहाँ पाई, किन चुनौतियों का सामना करते हुए बीजेपी आगे बढ़ी, तमाम मुद्दों पर मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। फिलहाल ये मंच की तस्वीर आपके सामने है, जो झुग्गीवासियों के साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन की बात सुनते नजर आएंगे। हालांकि इस मौके पर बीजेपी के बाकी दिग्गज नेता भी मौजूद है मंच पर। मनोज तिवारी भी मौजूद है, आप बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी भी वहां पर मौजूद है। जानकारी आपको ये जरूर दे दें कि इससे पहले 30 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर चुके हैं, और आज रेडियो के जरिए एक बार फिर से देशवासियों के सामने मन की बात 32वें तौर पर करने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण आप रेडियो के जरिए भी सुनेंगे, और आखिर आज मन की बात में क्या कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने वाले हैं। हालांकि पहले से ये जरूर कहा जा रहा है कि 3 साल का जिक्र जरूर इस बार मन की बात में नजर आएगा, उन सुझावों का जिक्र भी किया जा सकता है जो देश के कई इलाकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा कॉन्टेक्ट करके सामने आते हैं। लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा माध्यम जिसको लोगों ने मान्यता ही समाप्त कर दी थी, और तकरीबन